नमस्कार, स्वागत है आपका जेएसजेड न्यूज की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दूँ इस वक्त टीम की मौजूदगी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा कि अभी हम तीन पानी गोला बाईपास पर जो निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज है उसके नज़दीकी कॉलोनी में मौजूद है, क्योंकि यहाँ से अब जो विवाद है सामने आ रहा है कि जो गोला बाईपास जो ब्रिज बन रहा है, माफ़ कीजिएगा, जो ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी गई है। पहले 220 लमसम थी, अब 300 या 500 कर दी गई है। कुछ कॉलोनी के लोगों का इसमें विरोध, कॉलोनी के लोग कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं सभी जो धरने में बैठे हुए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पे कहने का विरोध इस निर्माण का किया जा रहा है। एक महिला मौके पर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे महिला मौजूद है जिनका घर ठीक मेरे सामने है, इनसे पूछते हैं किस प्रकार के हालात उस वक्त बनते हैं जब बारिश बहुत होती है, क्योंकि लगातार मानसून अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में क्या क्या समस्याएं लोगों को आती है ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा देव की राठौर। जिस प्रकार से ओवरब्रिज बन रहा है आपकी ओर से विरोध किया जा रहा है, क्या क्या वो बिंदु है जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं इसका? एक तो हमारे रोड में चढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, ये पानी भर जा रहा है, मेरे गेट से आगे तक पानी जा रहा है। और जब बारिश होती है हम कहीं रह नहीं पा रहे, अंदर जाएं बाहर जाएं करके पूरा खेत है वो है, मेरे घर के अंदर सीलन पड़ गया बहुत। अब मैं क्या करूं, हो रही कितना बोल दिया, हम बैठ भी गए, देख रहे सभी, कर कोई कुछ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं रहा है, नहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुमाऊं कमिश्नर भी आए थे यहाँ, वो बोले उनके ओर से कहा गया, उनने बोला ये इसको ठीक करो, इनको डुबाओगे या इनको ऊपर करोगे, ऐसे बोल के गए वो। तो क्या कहा गया सामने से? सामने यही बोला उनने, हाँ कर देंगे बोला उनने, अब देखने को नहीं आ रहे तब से। उसके बाद कोई देखने कोई नहीं आया, इतनी परेशानी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। अब हम आर्मी से रिटायर है, मेरे हस्बैंड का पाँव फ्रैक्चर है और स्कूटी चला के जाते हैं, लुढ़क भी गए परसों वहाँ पर। कहाँ पे? यही आने पर रोड में से नीचे लुढ़क गए, वहीं पर तार आर रखे हैं उनने, वो सरिये डाल दिए, अब वो काम कर नहीं रहे। और रोड इतनी ऊंची है तो हम जाएंगे कैसे, कैसे गाड़ी चलाएंगे ऊपर को, जा ही नहीं पाते हैं उसमें। जिस प्रकार से बरसात काफी इस बार हुई है, बहुत ही बरसात हो रखी है, तो पानी कैसे किस बहाव के साथ आता है? वो था ना इतना गोल थी छोटी, वो गोल बंद कर दी, ने बड़े पाइप रख दिए तो ऊपर में रख दिए। अब वो बड़े पाइपों को हम कैसे गाड़ी रखेंगे, सिर में रख के तो नहीं जा सकते ना ऊपर। अब गाड़ी तो सबके ही है, सब पूरा कॉलोनी बैठी रहती रात दिन यहाँ पर, अब वो सोच रहे अपने बैठते हैं, हो नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा यहाँ। और इतनी ऊंची होनी नहीं थी, हमने पहले नीचे से देखा, हमने सोचा जैसे मिट्टी नीचे से भरी वहाँ से बन के आएगी वैसी होगी, यहाँ से इनने एकदम उठा दिया, ये कुछ नहीं बोल रहे करके। फिर हमारे समझ में आया ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए ऐसा करके। और कॉलोनी तो इतनी है, इसमें चार कॉलोनियाँ हैं, एक भी नहीं है। इस प्रकार से पहले बातें सामने आई थी कि 220 इसकी ऊंचाई थी, बाद में 300 या 500 के लमसम कर दी गई है, कर दिया इनने। तो इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं थी? नहीं, पहले पता ही था, इतनी मिट्टी भरी थी इनने ना, दुकानें बंद हुई थी नीचे। अभी आप धरना दे रहे हैं लगातार, काफी दिन आपको हो गए हैं, अधिकारी भी यहाँ पे दौरा कर दिए, कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे दौरा करके गए हैं, उसके बाद भी कोई संतोषजनक आपको जवाब मिला है? जवाब कुछ नहीं मिला है, मैं भी उनका भी अब पता नहीं। इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ गए हैं आप? हम उनके साथ वो पूरे गए जहाँ पर पुल बन रही, ब्रिज बन रहा ना रेलवे, वहाँ देखा उनने, यहाँ से पूरा देखा, पानी ऊपर से भी दिख रहा है ब्रिज है जहाँ से, वहाँ से देखा, उनने बोला इसको सही करो, इनको डुबाओ मत, कह गए हो हाँ, कह गए हाँ सर बोला उनसे, हो गया, वो गए फिर हो गया, वही बात हुई। जिस प्रकार से कुमाऊं कमिश्नर यदि कह के गए हैं तो गंभीरता से लिया जाएगा, ये बात मैं कह रही हूँ, अगर कुमाऊं कमिश्नर कह के गए हैं तो बात की भी गंभीरता से लिया जाएगा, उम्मीद है कि इसको दुरुस्त कराया जाएगा। उम्मीद है मन से, कमिश्नर साहब से ही है, कमिश्नर उनसे साहब से है हमको, जब वो आए तब हमें थोड़ा शांति मिली, नहीं तो हमें बेचैनी थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसे डांट दे रहे ना, बोलने भी नहीं देते हैं ये जो कर्मचारी होते हैं। हाँ ये आते हैं ना, बोलो बैठे अधिकारी लोग, ये भी बोलते हैं बोलने, चुप रहो बोलते हैं, अब क्या बोले हम अपना उससे, तो हम रोड में बैठे हैं, जब हमें अच्छा तो होता अपने घर में बैठे रहते ना, इतना पानी आप दिख रहा है आपको, दिखाइए वो तस्वीरें दिखा दूं, कहना पर्सन को तस्वीर देखिए, हाँ इतनी तस्वीर देख लो तुम, ये इतना पानी भर रहा है, अभी बारिश नहीं है तो थोड़ा फिर भी है ही दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा ना, पानी इतना है, कीचड़ ऐसे हो रहा है, यहाँ से इधर को जाता है इतना, हमने अपने हाथ से सीमेंट डाल के फिर भी पानी भर रहा है उधर को, पूरा जा रहा है उधर तक पानी, उधर को जाता है। अगर इसी प्रकार से जल भराव रहा तो मकानों की नींव भी कच्ची हो जाएगी। ये मेरे तो यहाँ पर कच्ची है दीवार, उस तरफ डॉक्टर साहब की है उस तरफ दीवार ना, वो कच्ची है, उससे नींव भर जा रहा मेरा रोज, ये दो तीन दिन तक चलता ही नहीं है नीचे, फिर
इसी में रहता है, सूखता नहीं है ये। चलिए हाँ, इसी परेशानी से ये सूखता नहीं है, दो चार दिन तक तो यहीं पर रहता है पानी। चलिए, इस प्रकार से तमाम समस्या आपने बताई, अब सीधे वहाँ चलते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, जिस प्रकार से आपने इनकी समस्या सुनी है। ये हमें अभी मौके पे गेट से अंदर भी पानी जाता है, ये गेट नीचा ही है मेरा, ज़्यादा भर गया रोड में तो जाएगा कहाँ पानी, रोड से उधर को नहीं पहुँच पाएगा तो फिर अंदर को जाने लगता है, घरों के अंदर भी घुसता है, घरों के अंदर अभी नहीं घुसा और घुस जाएगा, ऐसी हालत जो रहेगी तो घुसने में भी देर थोड़ी लगती है। आप गेट की तस्वीर दिखा दीजिए, गेट हाँ ये ऐसे हो जा रहा है, इतनी काई लगी है, अनुमान लगाइए कि कितना पानी भरता होगा गेट के अंदर भी घुस जा रहा है तो। हाँ फिर इतना ये खेत पूरा भरता तो पूरा जाता है ये, अब उस समय होते आप देखते तो आप ही वो हो जाते इस। बिल्कुल, अगर मानसून की बरसात होगी, पूरा मानसून पड़ा है, जरूर हम आएंगे फिर से तस्वीर हम धरातल में देखेंगे, लेकिन विवाद अभी उठा था तो हम अभी आए। ठीक है, और जैसे बरसात में आओगे नैनीताल नहीं सोचना, तो नैनीताल यही हो जाएगा, ऐसा हो रखा है इधर। चलिए चलिए, बरसात में जरूर आएंगे धरातल देखेंगे। हम बोलते हैं जिस समय बरसात होती है उस समय आ जाते लोग, तो देख तो देते, हम आएंगे क्योंकि विवाद ही अभी चर्चाओं में आया, उसके बाद समस्या सामने आई है, बरसात होती है। हम आपको तो कह रहे हैं जे जे न्यूज़ ज़रूर यहाँ पे धरातल में पहुँचेगा, बहरहाल वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, धरने में लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिस प्रकार समस्या सामने आई है, सभी की एक ही समस्या है कि जल भराव कॉलोनियों में हो रहा है, तो उनकी क्या मांगे हैं, उनको क्या लगता है कि इसको दुरुस्त कब तक करा दिया जाएगा, उनको उम्मीद है या नहीं, क्योंकि धरने में काफ़ी दिन को बैठे हुए हैं इन लोगों को। इसको डाउन कर दीजिए और हमें और क्या, हाईवे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईवे बनाओ जैसे भी बनेगी हम रास्ता छोड़ देंगे, पर हमारा रास्ता अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, हमारा रास्ता नीचा होना चाहिए, नीचे जैसे से नीचे हो रहा वैसे लेवल ऊपर जाना चाहिए। चलिए, तमाम उन्होंने बातचीत महिला की सुनी, अब सीधे वहाँ चलते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ उन लोगों की समस्या आपको बताते हैं। जिस प्रकार से आपने इससे पहले एक महिला की बातचीत सुनी, इस प्रकार से उन्होंने ये किन कारणों से उनका विरोध कर रही है सारी बातें सामने रखी है। हालांकि मैंने आपसे कहा था उसके बाद जहां लोग धरना कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे, अभी हम यहाँ मौजूद है, आप देख सकते लगातार इनके ओर से जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, इनसे जानते हैं किन बिंदुओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको क्या लगता है आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, संतोषजनक जवाब आ रहे हैं या नहीं, यह पूरा मामला अभी कहाँ टिका हुआ है। और बता दूं कि अभी जो काम है वो रुका हुआ है, इनके विरोध के बाद काम अभी रुका हुआ है, देखने वाली बात होगी इसमें आगे क्या होता है। मेरा इनसे जानते हैं किन बिंदुओं को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। नमस्कार, नमस्कार सर, नाम बताइए। मैं बलबीर रावत इस क्षेत्र से किसान हूँ, यहाँ हम सभी लोग हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आबादी की जनता है, यहाँ पर करीब 12-13 आबादी इस तरफ है, 12-13 आबादी इस तरफ है जिस जगह पर हम बैठे हैं। यहाँ पर ये INH नेशनल हाईवे का ये निर्माण कार्य चल रहा है और ये यहीं से कुछ ही दूरी पर इनका ROB ब्रिज बन रहा है। जिस समय ये 2012 में यहाँ पर गजट निकला था, अधिकृत हुई थी यहाँ ज़मीनें, तो हम लोगों की यहाँ पर करीब 30-32 बीघा ज़मीन हम दो परिवार की गई है। अच्छा। तो उसके बाद ये 2013 में 3D हुआ था, 3D हुआ था, तो तब यहाँ पर जो यहाँ के जिम्मेदार अपने क्या नाम कहते हैं परियोजना अधिकारी थे NHI के, तो वो यहाँ मौके पर आए थे और इनकी जो कार्यदायी संस्था थी एरा कंपनी और सद्भावना कंपनी जो थी उस समय, तो वो उनके कुछ इंजीनियरगण लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ एक सर्वे करा था तो सर्वे में उन लोगों ने यहाँ के लोगों से हम लोगों से ये कहा था कि हमें इस जगह पर जो ये रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पर हमें एक ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है ओवर ब्रिज बनाइए आप, तो उनने हमसे ये कहा था कि हम ये जो ओवर ब्रिज बनाएंगे तो इसके 220 मीटर एक तरफ 220 मीटर एक तरफ तो हमें डाउन स्लेप ले जाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी होगा और इससे ज़्यादा हम यहाँ के लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे, जैसे यथास्थिति लालकुआ से नीचे से रोड आएगी उतने एरिया में हम वैसी रोड बनाएंगे। तो हमने ROB को देखते हुए हमने कहा चलो वो तो मजबूरी है 220 मीटर आप बनाइए, उसके बाद यहाँ पर अपनी जो यथास्थिति जैसे लालकुआ से रामपुर से ये रोड आ रही है वैसी रोड आप यहाँ पर बनाएंगे, तो उनने हमें आश्वासन दिया था कि हम 220 मीटर से ज़्यादा यहाँ लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे। अब बढ़ा दिए, आज स्थिति ऐसी आ गई 2024 में ये हाईवे का कार्य हो रहा है, तो इस समय यहाँ की जो क्या नाम कहते हैं कार्यदायी संस्था जो गाबर कंपनी है इनने ये काम पेटी में किसी दूसरे अंबे कंस्ट्रक्शन करके या अंबे ट्रेडर्स करके उनको ये काम दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो ओवरब्रिज बन रहा है और कुछ रोड जो पूर्व में क्या नाम कहते हैं यहाँ से आगे को है वो रोड कुछ सद्भावना ने पहले पूर्व में बना दी थी, तो उस जगह पर जो ब्रिज है ब्रिज के पूरब की तरफ इन्होंने उस रोड में मिला के 300 मीटर जो डाउन करा है। अच्छा।
तो वो 220 मीटर से 80 मीटर एक्स्ट्रा है। तो हम लोगों ने सोचा हो सकता 220 मीटर में इनका लेवल नहीं बन रहा होगा, तो इन लोगों ने 300 मीटर इसका स्लेब डाउन ले गए। अच्छा, रही बात इधर जो बरेली रोड को जो रोड इनकी जोड़नी है, जो आरओबी का जो ब्रिज डाउन स्लेब आना है, वो इनका क्या नाम कहते हैं जुड़ना था यहाँ पर, तो यहाँ इनने खुला मैदान देखा, यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ था, तो यहाँ से ये 700 से लेके 800 मीटर तक पूरा ऊंचाई में स्लेब डालते हुए जब ये ले गए तो यहाँ की दोनों ओर की जनता डूब गई। और यहाँ इनने जो ड्रेन बनाया किनारे पे, सर्विस रोड बनाई, अपनी हाइट के हिसाब से उन्होंने सर्विस रोड भी बना दी, ड्रेन भी बना दिया। ये लोग कहते हैं कि हमारा ये इस ड्रेन में हमारी रोड का ये पानी जाएगा, ठीक हो गया सब, अपनी अपनी सुरक्षा के लिए आपने बनाया। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने एक जब विरोध करा, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे माननीय हमारे डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, वो लोग भी हम लोगों के साथ आए, तो इनने आनन फानन में 300 मीटर मट्टी पूरी उठाई यहाँ से, और जो इनने निर्माण कर दिया था कंस्ट्रक्शन उसमें जो ये मसाला वगैरह डाल दिया था वो आनन फानन में इनमें सारा उठाया। लेकिन कुछ रोड हद तक सही हो गई है, अभी भी ये 200 मीटर एक्स्ट्रा है। उनके हिसाब से पुराने जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो 220 मीटर हमसे बोलते थे, और ये अभी भी 500 मीटर यानी कि 280 मीटर यहाँ पर जो क्षेत्र है ये डूब क्षेत्र बन गया है। तो यहाँ पर हमारी एक ही मांग है कि जो इनके पूर्व अधिकारी जो 220 मीटर कह रहे थे कि इसको हम डाउन स्लेब ले जाएंगे, लेकिन इनने उस तरफ जो बनाया 300 मीटर बनाया तो बहुत सुंदर रोड बनी है, वो जब उस जगह पर 300 मीटर पर आपका स्लेब बन जा रहा है और बहुत सुंदर रोड बन रही है और ब्रिज का लेवल समान है, तो एक तरफ आप 500 क्यों ले जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि इस तौर भी 300 मीटर ही बनाया जाए। ऊंचाई को लेकर आपकी मांग है? ऊंचाई को लेकर, ऊंचाई अगर नहीं घटेगी तो हमारी ये सर्विस लाइन नहीं घट पा रही है, ना हमारा ये ड्रेन घट पा रहा है। असल में हमारी जितनी भी यहाँ पर ज़मीनें हैं, हमारी जो आबादी है 10-12 कॉलोनियाँ है यहाँ पर, और मेरे दाई और भी क्या नाम कहते हैं पूरी सिंचाई विभाग का एक यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर उनका पूरा गोदाम है, पूरा यहाँ पर उनका सेक्शन है, उसके बाद 10-12 कॉलोनियाँ इधर को है। ये दोनों ओर पानी डूब क्षेत्र आ रहा है यहाँ पर, तो हमारी हम इनसे एक ही मांग है, कम करें, आपकी मांग है बिल्कुल, ये कहते हैं कि हमारी वॉल में डिस्टर्ब होगा, आप अपनी वॉल को 100 मीटर पीछे करिए और यहाँ के क्षेत्र की जनता को बचाइए। चलिए ठीक है, हमने आपको एक इत्मीनान से हमने आपकी पूरी बात सुनी। आपका घर कौन सी कॉलोनी में मौजूद है? मेरा घर इसी कॉलोनी में, मैं यहीं का लोकल का किसान हूँ। हाँ, यहीं रहते हैं, हमारी खुद की जमीन, ये जिस जगह में हम लोग ये सब बैठे हैं ये हमारे खेत थे पहले। ये हमारा यहाँ गन्ना लगता था, धान लगता था, यहाँ गेहूँ लगते थे, अनाज लगता था, और इधर किनारे पे ये जो जितनी भी है ये सब बस्तियाँ थी। ये बस्तियाँ पहले बन चुकी है, यहाँ पर क्या PWD वालों ने रोड बनाई है, बिजली वालों ने अपने खंभे लगाए हैं, यहाँ पर क्या हम कहते हैं पानी की लाइनें हैं, सब कुछ लाइनें सब दब गई। पहले जो ये पानी हमारे जो कॉलोनी में भरता था, हमारी यहाँ इरीगेशन की गूलें थी, वो गूलों में चले जाता था और उससे अपना खेतों में फैल के एडजस्ट हो जाता था। आज इन्होंने उस छोर से लेकर उस छोर तक गूले वो बंद कर दिए। बंद क्या करिए, एक पाइप डाले है, उस छोर पे मुँह खोला है, इस छोर पे मुँह खोला है, बीच का एरिया जो है ये 100-150-200 मीटर का, ये सारा क्या नाम कहते हैं इरीगेशन में ये पानी नहीं जा पा रहा है, तो ये पानी का एक भराव ठहराव हो रहा है। बीच में यहाँ पर एक क्या नाम कहते दंपति थे, वो अपनी कार से रात में कहीं से आ रहे थे, तो उनका एक रास्ता क्या नाम कहते पानी से भरा हुआ था, उनने दूसरे रास्ते में शॉर्टकट मारा, तो वहाँ पर वो दंपति पूरी अल्टो कार थी डूब गई। जैसे ही आनंद फानन में फिर उन लोगों ने फ़ोन करके हम लोगों को बुलाया रात में, हमने उन यात्रियों को सभी को जैसे तैसे उस गड्ढे से निकाला है। ऐसी स्थिति यहां पर इन लोगों ने बना दी है। अभी यहां से एक हफ्ता पहले आपने देखा होगा इंदिरानगर में छोटा सा बच्चा बारिश में बहा है और कई दिनों बाद वहाँ मिला, ऐसी स्थिति यहाँ भी बन रही है। तो हम प्रशासन से यहाँ की सरकार से एक ही मांग करते हैं कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को डूबने से बचाया जाए, यही हमारी मांग है। ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए अपना। महेश, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आप जिस प्रकार से आप लोग सभी मांग कर रहे हैं कि इसकी ऊंचाई घटाई जाए, आपको काफी दिन हो गए बैठे हुए, अभी तक कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या उम्मीद बन रही है अभी तक? अभी तक कोई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, मतलब उन्होंने कहा हम देखेंगे, ये करेंगे, हम पानी की व्यवस्था कराएंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उसका नतीजा अभी कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। कमिश्नर साहब भी आए थे, उसके बाद उम्मीद जागी थोड़ी? उन्होंने यहाँ पर तो हम लोगों से तो किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा। बाद में उनका स्टेटमेंट हमने देखा, अखबार में पढ़ा कि भाई वो हम आपके जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं, करवा रहे हैं, इसको ठीक करवा रहे हैं, बस उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई अधिकारी आया उसके बाद? कोई अधिकारी नहीं। आपकी किसी कोई बातचीत नहीं हुई किसी अधिकारी से? किसी से नहीं। ये जब बढ़ाया गया, जो आप बोले अतिरिक्त इसको बढ़ाया गया, आपको कब भनक हुई
ये तो अभी जब क्या कहते हैं जब ये यहाँ पर से काम इन्होंने करना शुरू करा है उसके बाद ही पता लगा कि साहब उन्होंने कहा था हम पीछे करेंगे, लेकिन गोरा पड़ाव से यहाँ तक तो थोड़ा कम कर दिया, लेकिन यहाँ से अभी भी आप देखिए कितना ऊँचा है और आगे 300 मीटर से कोई बात भी है, करीब 150 मीटर अभी और एक्स्ट्रा ये इधर ऊँचाई में है। और ये जब ये ऊँचा होने की वजह से ये सर्विस लेन भी ऊँची हो गई और हमारे कॉलोनी नीचे। वो तो हम पूरा तस्वीरों में दिखाई रहे हैं दर्शकों को। विधायक साहब आए, विधायक साहब उसी दिन आए थे, जिस उसी दिन आए थे कमिश्नर साहब, उसके बाद नहीं आए, उसके बाद। चलिए आप बताइए, नाम बताइए। मैं प्रीति रावत। इस प्रकार से आप सभी महिलाएं भी, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे बैठी जी हूँ, क्षेत्र जिला ग्राम पंचायत से। चलिए अभी तो आपका मकान कहाँ पे है? हमारा यहीं पर है, सामने मकान है ये आगे। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग विरोध कर रहे हैं, अभी तक कोई आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है, कब तक बैठने का इरादा है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे हम तो। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब तक अड़े रहेंगे, तो बैठे रहेंगे जी हाँ। लेकिन देख रहे हो मिले कि आबादी बहुत है, लेकिन उतनी जनता नहीं यहाँ पे। जनता है, इधर उधर है, अभी आएंगे शाम को, सब इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी भीड़ हो जाती है, सब हमारे साथ हैं, सभी यही तो नहीं रहती है ना, सभी जनता दिन भर घर पे थोड़ी बैठे रहेगी, अपनी अपनी ड्यूटी में जाते हैं, अपने कार्य पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तस्वीरें की होगा ना कि होता है कि सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आए हमने आपसे क्या पूछा, दोनों साइड के लोग विरोध कर रहे हैं, कितनी आबादी है, हमने आबादी पूछी ना, क्योंकि आबादी देख के अनुमान लगता है कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं, इस संबंध में पूछ रहे हैं। आप बताइए नाम बताइए। आपका मकान कहाँ है? हमारा भी यही गली में। आपको व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान हो गया अभी तक? यहाँ पानी भर जा रहा है रोड में, बच्चे आ जा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी। आपके मकान में क्या क्या नुकसान हुआ? मकान में नहीं, यहीं पर मतलब रोड पर तो हो रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। पूरा नाला जैसा जो आएगा तो मकान में भी नुकसान होगा ना, मकान में भी पानी भरने के चांस है। अगर ये ठीक नहीं होगा, हाईवे हमारा ठीक नहीं होगा तो ये नाला बन जाएगा पूरा। देखो नाला आए दिन नाला आता है तो गाड़ियां बह जाती है आगे, हमने तो अपनी जिंदगी निकाली। ये रास्ता भी नहीं बना था, ऐसी जानकारी है, हमने तो अपनी जिंदगी निकाली, कॉलोनी को जाने वाला रास्ता है, क्या होगा? सही नहीं है, बाहर है, पानी से भरा हुआ है बिल्कुल। जब बारिश आती है कोई मोटरसाइकिल जाती है, साइकिल गिर जाती है, बच्चे सारे बाहर है हम लोगों के, तो बच्चे तो हमसे जवाब मांगेंगे ना। आप लोग तो घर ही में थे आज, आप लोगों को तो पता ही है, दो ही मम्मी पापा ही घर में रहते हैं, बच्चे तो सारे सर्विस वाले हुए, वो तो हमसे जवाब मांगेंगे ना। आप लोग कहाँ सोए थे, तो हमारे लिए भविष्य में क्या करके गए, यही जवाब मांगेंगे। हमने खाली मकान बना दिया, वो मकान में अपनी जमा पूंजी जितनी सी सारी लगा दी, तो हम कहीं ना जा सकते हैं ना उसको, हम हमारे कोई मकान कोई हमारा मकान अभी अभी क्या लगता है, अभी आसार है किसको हटाया जाएगा? हम यहीं पर बैठे रहेंगे धरना जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। विधायक जी एक दिन आए उसके बाद नहीं आए? विधायक जी भी तो बोल रहे हैं, अब इंजीनियरों से उनसे बातचीत चल रही है, उनकी चल रही है, चल रही उनकी। अब हम लोगों ने तो बैठना ही है जब तक सामने नहीं आते कोई लोग ना, हम लोगों ने तो बैठना ही है जब तक ये कार्य चालू नहीं होगा। यहाँ से रुका हुआ है कार्य, हमने रोक रखा है ना, वो तो प्लेन बना के चल देंगे, तो वो तो बोलेंगे कि हमारा काम हो गया, वो चल देंगे। तो हमको तो गड्ढे में डाल के, हम तो ऐसे हमारे तो मकान सारे डूब गए। बिल्कुल, इसमें मकानों की नींव कच्ची होने का भी खतरा रहता है, कहीं तो जल भराव होता है। आप बताइए नाम बताइए। मैं तुलसी भट्ट। आपका मकान यही है? यही है। बताइए नाम बता दीजिए। हेमंती सूटा। ठीक हो गया, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम कह रहे हैं इनसे रोड जरा नीचे करो तो हमारा वहाँ पानी कम जाए, जब नीचे करेंगे तभी पानी कम हो पाएगा, कर ही नहीं रहे, कितना दिन से हम बैठे हैं यहाँ। कब से बैठे हैं आप? हम यहाँ, हमको आज सातवां दिन है, छठा दिन ऐसे ही है, हम ऐसे ही है, सातवां दिन होगा, इतने दिन से बैठे हैं। तो वो न सुन के अपना ही NH वाले तो अपना ही कह के चले जा रहे हैं, हम क्या करें, हमने तो हमें ये भी सुनाई दिया है कि यह बातचीत करते तो आपसे भी अच्छे से बात नहीं की जाती उनसे, नहीं करते हैं, तुम चुप रहो कह देते हैं, महिलाएं चुप रहो, महिलाओं को बोलना नहीं आता कह देते हैं, क्या बोलते हैं अनपढ़ NH वालों ने तो इतना भी कह दिया, तुम अनपढ़ लोग हो करके, अनपढ़ लोग हो NH वालों ने कहा हमसे, बताइए आप बताइए नाम बताइए अपना, नाम बताइए। चंद्रा रावत। क्या बोला आप लोगों से? मेरे से बोला, मैंने कहा भैया ये रोड थोड़ी कितनी ऊंची कर दी है, तो कह रहा नीचे से निकल के जाओ, इनको बोलने की तभी इंजीनियर अनपढ़ लोग, कह रहा मुझसे, कह रहा अनपढ़ लोग है तुम लोग, NH वाले ये नीचे है इसमें से निकल के जाओ, वो भी तो हमारी जगह है, कह रहे हैं जो की हमारी जगह हो के, और हमसे कह रहा हमारी जगह है। अच्छा, जब तक हाईवे नीचे ना होगा, ये रोड नीचे नहीं होगी,
तब भी हम अपना जान दे देंगे, पर हम ये हाईवे को बनने नहीं दूंगी मैं। हाँ चलिए, आप तमाम बातें कह रहे हैं, ये भी बातें बोले, महिलाओं को बोलना नहीं आता है। हाँ ऐसे भी कह रहे, अनपढ़ लोग बैठे हो कह रहे हैं, ये कौन से आंसर है, ये है, इनको भगाओ, दूसरे लाओ अब इनको यहाँ पर, इनसे हम रोड नहीं बनवाएंगे, बस जाए हमारी जान चले जाए, चाहे हम जिक मर जाए, पर हम रोड नहीं बनने दूंगी यहाँ पर। ऐसा मेरे से एक अभी भी वो ठेकेदार है यहाँ पर, ठेकेदार ने बोला है। हाँ अभी कहाँ है वो? गोलू ठेकेदार है, उसने अभी ये इसी रूम में रहता है, कहता कह रहा नीचे से निकल के जा, कह रहा है मुझसे। अभी होंगे मौके पर मौजूद? रोड तो हमारे लिए बननी है ना। हाँ अभी मौजूद है नहीं है, अभी भी रोड तो हमारे लिए बननी है ना, रोड तो हमारे लिए बननी है ना, दूसरा आएंगे ठेकेदार। ठेकेदार साहब को हम भी देखते, अगर होता तो हम भी बातचीत करते हैं। नीचे पानी भरा, कह रहा यहाँ से निकल के जा, ये भी तो हमारी जगह है, जो कि जगह हमारी होते भी, इतने करोड़ों की हमारी जमीन गई है, और ऐसा बोल रहा हूँ मुझसे, कह रहा यहाँ से निकल के जा, पानी में से निकल जा, मेरे पास होता पत्थर मैं बहुत मारती हूँ उस आदमी को। ये बात में भी, लेकिन ये है कि देखो काम हो रहा है, विरोध कर रही है, लेकिन बदतमीजी नहीं कर रही है ना भैया। मैंने कहा देखो कितना पानी आ रहा है, आपने ये रोड ऊंची कर दी है, तो कह रहा वो भी तो हमारी जगह है, वो पानी में से निकल के जाओ, वो नहीं है क्या हमारी, बना लो तुम अपने लिए रोड, यहीं पर तो है। आपने बोला नहीं जो कमिश्नर साहब आए थे, बोला नहीं आपने? उस टाइम नहीं आए थे, उसके बाद जब आए थे। ओ अब इधर का उधर हो गए ना सब ठेकेदार, इधर का उधर हो गए ना, जब हम बैठने लगे इधर के उधर हो गए। तब से शांत है, नहीं तो ये बहुत वो कर रहे थे, गाड़ियों को ले जाने के लिए जिद कर रहे थे यहाँ पर। हमने रात में भी धरना दे रखा है यहाँ, ये रातों रात मशीन रख दिया था इनने, हम नहीं करेंगे भराव, एक दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, दिन भर हम ऐसी परेशान हो जाते हैं, हम कहते थोड़ा भराव कर दो, हमारा यहाँ पर पानी भर गया, बैठे इतने बुढ़े, हमारी एज नहीं है धूप में बैठने, शांति हो गई। हमने फिर भी हम यहाँ पर बैठे आ गए, 1600-1700 रुपए हमने अपनी खुद भरान कराया, अपने पैसों से यहाँ भरान कराया मैंने। ये भी बात देखिए, जो सड़क है वो भी नहीं थी आप लोगों ने करी, अपने पैसों से भरान करा, जो मिट्टी यहाँ पर है ना, जहाँ पर चार गाड़ियाँ खड़ी है, ये भी हमने अपने पैसों का भरान करा है, ये भी नहीं भरान भी करा इन्होंने। आप लोग बताओ, आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रवल्लभ खोड़िया। आप बताइए, आप कहते को नुकसान हुआ आपके क्षेत्र जो है, इधर आप देखो नाला दिखाओ, ये दिखाइए, चलिए HDFC बैंक से लोन लेके यहाँ पर दुकान खोल रखी है, और ये रोड ऐसी कर दे रहे हैं, कभी तोड़ते हैं कभी बनाते हैं, यहाँ पर मेरी सरिया बह गई, इसमें सब सरिया में क्या नाम कहते हैं वो मिट्टी विट्टी लग गई, सरिया जो है बही है, ये हाल हो रहा है। इनसे कहते हैं थोड़ा मिट्टी विट्टी डाल के सही बना दो, उसको भी कहते हैं आप लोग करो, हमारा ये काम नहीं है। अच्छा हाँ जी, ये यहाँ भी जल भराव हो जाता होगा पूरा, तो दुकान में आना जाना कैसे करते हैं आप? कहाँ आते हैं उस दिन, जल भराव में जा ही नहीं पाते, आर पार कैसे जाएं, गाड़ियाँ नहीं आती, गाड़ियों वालों को मैंने लोन की किस्त नहीं जा रही है, लेकिन ये किसी की बात को समझते ही नहीं है, ये तो अपनी बात कहते हैं बस, उनका हमें रोड बनानी है करनी, और जनता की कोई समस्या को नहीं सुन रहे। देखो ये हाल हो रहे हैं यहाँ के लोग, सारे लोग परेशान हैं, आप दिखाइए उधर को, सारे लोग परेशान हैं, किसी की बात को नहीं सुनते हैं, ये तो बस कहते हैं भैया हमारा ऑर्डर है ऊपर से, हम रोड बनाएंगे, बाकी इनका क्या नक्शा आता है क्या करना है ये कभी किसी को बताते ही नहीं है कि ऐसा बनना है ये बनना है वो बनना है, कभी किसी को उसमें नहीं लेते हैं। और इन्होंने उस समय गर्मी में जब इन्होंने मिट्टी भरान करा था, इतनी मिट्टी उड़ रही थी, पूरे कॉलोनी लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, लेकिन उन्होंने तब भी कोई वो नहीं करा, कोई नहीं, ना पानी डाला ना कुछ करा, पानी डालते थे अपने उसमें बस, हमारे उसमें हम कहेंगे थोड़ा पानी डाल दो, उसमें भी लड़ने मरने को तैयार रहते, बहुत बदतमीज ठेकेदार है। मामा बातचीत करें कि बदतमीजी की गई है, अभद्रता की गई है, जिस प्रकार से चलिए आप काम निर्माण कर रहे हैं, आप नहीं सहयोग कर रहे हैं कोई बात है, लेकिन अभद्रता आप लोगों को सबसे की गई है, सब हर कोई भी इनका अधिकारी या कर्मचारी सहयोग करने को नहीं, सब अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं, बोल उससे पूछेंगे तो क्या हो रहा है, बोला हमें पता नहीं क्या हो रहा, हमारा काम ये है, दूसरा आता इंजीनियर कहता मेरा काम ये है, तीसरा आता अरे भैया कुछ तो बता दो हमको तुम कर क्या रहे हो, कोई नहीं, पानी के लिए कहेंगे तो पानी के लिए वो कहेगा, उसको कहेगा वो, दूसरे को कहेगा वो, तीसरे को कहेगा, पानी का टैंकर लाएंगे इधर को चले जाएंगे, कभी हमने इनके मजदूरों को पानी पिलाया लेकिन इन्होंने कभी हमारे यहाँ एक टैंकर से थोड़ा सा पानी नहीं डाला कि यार इतनी धूल उड़ी थोड़ा पानी डाल दें करके, कभी नहीं, कोई सहयोग नहीं करते, ऐसी कंपनी तो हमने पहली बार देखी जो इतना परेशान करके लोगों को कर रहे हैं। ठेकेदार का नाम क्या है? ये ठेकेदार का कोई गुप्ता उपता कह रहे हैं, पता नहीं क्यों हमने ठेकेदार, अभी तो नहीं, अभी होंगे वो नहीं है अभी ना, ये लोग 3-4 दिन से आ ही नहीं रहे, जब से कमिश्नर साहब वगैरह आए हैं तब से नहीं आ रहे हैं। आपने कमिश्नर साहब को बताया कैसे अभद्रता की जा रही है? हाँ बता रखा है। उनको दिया गया? अब वो उस समय जो है जो कर्मचारी थे वो तो थे ही नहीं तो हमको उनको बताते कि जो इनके इंजीनियर वगैरह ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं करके, ठेकेदार था, ठेकेदार खुद ये जो बलबीर राव जी बैठे हैं इनके साथ बदतमीजी करी ठेकेदार ने यहाँ पर,
खोला आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, अपनी मांग के लिए हमारे तो प्रजातंत्र है, अपनी मांग को तो हम रख ही सकते हैं, लोकतंत्र है, सब अपना बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन सामने से भी लोकतांत्रिक ढंग से बात की जाए ना। आप बिल्कुल कोई बिल्कुल देता ही नहीं है, ऐसे उतारू होते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। चलिए ठीक है, इस प्रकार से हमने तमाम बातचीत सुनी, हमने हर बात आपको बताई है, पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, महिला की हमने आपको कहना पसंद होंगी, पीछे को आइए, NH हाईवे है, पीछे को आइए, इस प्रकार से तमाम बातचीत आपने सुनी, क्या क्या समस्या है, सभी का यही समस्या है कि जल भराव हो रहा है। और दूसरी बात गंभीर ये सामने आई है कि अभद्रता इनसे की जा रही है, महिलाओं से अनपढ़ होने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं अभद्रता सभी स्थानीय लोगों से की जा रही है, उसमें भी गंभीर विषय बनता है कि यदि आपका काम चल रहा है, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक ढंग से आप बातचीत कर सकते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, सबको अधिकार है, लोकतंत्र है, अपना विरोध वो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स है वो असंतोषजनक मिल रहा है, बहरहाल जो ठेकेदार है मौके पर मौजूद नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में, इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, जिन कारणों से किया जा रहा है, हर तस्वीर हमने हमको दिखाई है, जो तस्वीर हमको लोग ईसाई लोग अपनी तस्वीरों को दिखाने के ले गए, हमने वहाँ जाकर तस्वीरें देखी हैं, कैमरे में कैद की हैं, आपको भी दिखाई हैं, आपको क्या लगता है इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, संपन्न अभी नहीं हुआ है, काम रोका गया है, इस पूरे कार्य को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।